बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज एक्सरसाइज 3.5 का हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें आपके पास आ रहा है 4 + 7x / 1 + x² + 2 + 3x। आपको पता है इस एक्सरसाइज में मैंने कल भी बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर था, कि इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। पहले सबसे पहला जो चीज चेक करनी होती है, वो चेक करनी होती है कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो चेक करने ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 2 और x मल्टीप्लाई होंगे x की पावर 3 बन जाएगा। इसका मतलब ये नीचे पावर ग्रेटर है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये आपके पास आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये टाइप कौन सी है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन में? ये सेकेंड टाइप है। कल हमने जितने क्वेश्चन किए थे वो फर्स्ट टाइप के थे। इसमें क्या आ रहा है, जो आपके पास इक्वेशन आ रही है उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। लीनियर इक्वेशन कोई भी आ रही है उसके ऊपर क्या आ रहा है, आपके पास स्केयर आ रहा है 1 + x² स्केयर, बाकी एक साथ सिंपल लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये दोनों के ऊपर भी आ सकता है। ये आपके पास सेकंड टाइप है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 + 7x / 1 + x दोनों को लिख दिया। पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह लिखते हैं हम लोग, पहले वाले a/1 + x, अब यहाँ पावर 2 है तो b/1 + x का होल स्केयर बन जाएगा। अगर 1 + x की पावर 3 होती तो इसी तरह हम लिखते c/1 + x का पावर 3। जहां तक पावर आपके पास गिवन होगी वहां आपने 1 से लेके एंड तक लेके जानी है। तो इस वजह से 1 + x का होल स्केयर है, तो हमने लिखा 1 a/1 + x, फिर आगे 1 + x का स्केयर था तो b/1 + x का होल स्केयर, और c के नीचे लिख दिया 2 + 3x। अच्छा, ये हम चेंज भी कर सकते हैं, हम 2 + 3x को पहले भी लिख सकते हैं, 1 + x को बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने पहले भी एक्सरसाइजेस की हुई है इस तरह की। अच्छा, 4 + 7x आ गया, ये जो नीचे डिवाइड हो रहा था ये हमने इधर दोनों के साथ आके तीनों के साथ बल्कि क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास जो नीचे था डिवाइड में यहाँ पर भी लिख दिया, बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और सी के साथ भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जहां कैंसिलेशन हो रही है उसको कैंसिल कर लेते हैं। 1 + x नीचे था, ऊपर स्केयर था, एक कैंसिल हो जाएगा, इसका स्केयर जो होगा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ नीचे स्केयर था, स्केयर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 + 3x है तो ये इस ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे रह गया आपके पास 4 + 7x, यहां पर 1 + x का होल स्क्वायर था, एक स्क्वायर कैंसिल हो गया था तो 1 + x रह गया, साथ 2 + 3x आ गया, b के साथ क्या आ जाएगा, 2 + 3x आ जाएगा, और c के साथ क्या आ गया, 1 + x का होल स्क्वायर आ गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो a के नीचे या b होता है उसको हम इक्वल टू जीरो लेट करते हैं। तो 1 + x को इक्वल टू जीरो लेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, -1। ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। x की जगह आपने जहां जहां x है वहां ये वैल्यू आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो x की जगह आपके पास आ जाएगा 4 + 7x है तो x की जगह -1, a into -1 + 1, 1 + x था तो x की जगह -1 आ गया आपके पास, और 2 + 3x है तो 2 + 3x है तो x की जगह -1, और 2 + 3x है तो 3x की जगह -1। इसी तरह यहां पर भी x की जगह आपने -1 लगा दिया, यहां पर आपके पास -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 1 कैंसिल होगा, c में भी 0 आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 + -1 + -1 तो 3 आ जाएगा आपके पास, 2 - 3। अब यहाँ पर 4 - 7 आ गया, 4 - 7 करें तो -3 आता है, और 2 - 3 करें तो -1। माइनस और माइनस के साइन दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ये आपके पास आ गया b। अब नेक्स्ट पे आ जाए आपके पास, नेक्स्ट जो c के नीचे गिवन है। अच्छा, हम यहाँ पर 1 + x के ऊपर स्केयर है, इसको इक्वल टू जीरो लेट नहीं करेंगे क्योंकि ये हो चुका ऑलरेडी। इसको भी लेट करें तो वही चीज आएगी, वैल्यू वही आएगी x की, तो अंडर रूट लेने के बाद वैल्यू x की वही -1 आनी है, तो हमें वही दोबारा आंसर मिलना है। तो इसको हम लेट नहीं करेंगे कभी भी, जस्ट जो 1 पावर वाला होगा उसको लेट करेंगे इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 2 + 3x, तो इसको हमने लेट कर लिया इक्वल टू जीरो। जब हमने इसको लेट किया तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, -2/3। यहां से आप देख लें, ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 3 डिवाइड करें तो -2/3 आ जाएगा आपके पास। ये वापस वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, 4 + 7 × -2/3, a into x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, -1 - 2/3। जहां जहां x आ रहा है वहां हमने क्या पुट कर दिया, -2/3। पूरी इक्वेशन में जहां जहां इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां आपके पास, यहां बेशक लिख लें पुट इन इक्वेशन 1, तो जहां जहां आपके पास 1 आ रहा था वहां हमने -2/3 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास क्या होगा, 7 × 2 = 14, 14/3 बन जाएगा। ये 1 - 2/3 है।
अच्छा यहाँ 3 और 3 कैंसिल होगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, इस वजह से पूरी के साथ मल्टीप्लाई होकर वो 0 आ जाएगा। फिर बी में आपके पास अगेन यहाँ 3 आ रहा है, 3 3 कैंसिल होगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो वो भी 0 हो गया। सी में आप सिंप्लीफाई कर लें, इसका एलसीएम लेंगे, 3 1 3 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर। इस साइड पे एलसीएम लेने, नीचे 1 आ गया, 3 1 3 तो 4 3 12 माइनस 14, 12 माइनस 14 कितने होते हैं, माइनस 2/3, सी इंटू 1/3 का स्केयर है तो 3 का स्केयर 9 होता है, तो 1/9 आ जाएगा आपके पास। यहां तक आपके पास आ गई, अब ये जो 9 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसलेशन करें, 3 1 3 3 3 9 तो सी आपके पास -6 आ जाएगा, 3 2 6 तो सी क्या आ जाएगा आपके पास, -6। अब आपने ए बी की वैल्यूज तो फाइंड कर ली, आपके पास आ गई है, लेकिन एक रह गई है बीच में जो बी वाली है, उसको फाइंड किस तरह करें, बल्कि ए वाली रह गई है, बी आ चुकी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। फिर हम कोफिशिएंट के जो इक्वेशन 1 है उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स के वेरिएबल के, उसके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं। अब सबसे पहले इक्वेशन को लिखें, 4 + 7x मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दी थी इक्वेशन को, तो मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है 2 + 3x + 2x + 3x के, ये मैंने जस्ट ए के अंदर जो लिखी हुई थी वैल्यूज, ए के अंदर ये आ रहा था 1 + x * 2 + 3x, इनको मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर लिख दिए। इसी तरह आपके पास बी के अंदर आ रहा था 2 + 3x और सी के अंदर आ रहा था 1 + x का स्केयर, तो इसको मैंने ओपन कर लिख दिया, ए का स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, जस्ट मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और उसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई कर लें, 2 + 3x + 2x कितने होते हैं, ये दोनों को ऐड करें तो 5x आ जाता है, जो कि a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5ax आ जाएगा, 2a बन जाएगा, 3x स्केयर है तो ये आपके पास आ जाएगा 3ax स्केयर, a के साथ हमने जस्ट इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपके पास 2b मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3bx बन जाएगा, c1 से मल्टीप्लाई होगा, c आ जाएगा, cx स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो cx स्केयर आ जाएगा, 2cx बन जाएगा, c से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इसके बाद हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है जो इस इक्वेशन में हाईएस्ट कोफिशिएंट जो वेरिएबल है उससे शुरू करते हैं, तो आपके पास इस इक्वेशन में हाईएस्ट वेरिएबल एक्स स्केयर आ रहा है, ये आपके पास एक्स स्केयर आ रहा है, यहां पर आ जाए बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्केयर, एक्स स्केयर के इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आ रहा था 4 + 7x, यहां एक्स के साथ एक्स की पावर 1 आ रही, इस तरफ एक्स स्केयर है ही नहीं, तो इस साइड पे अगर एक्स स्केयर नहीं है तो हम यहां 0 लिख लेंगे, और दूसरी साइड पे जो आपके पास गिवन है 3a + c, जो आपके मैंने अभी बताया था एक्स स्केयर के साथ a आ रहा था और c आ रहा था, इसको हमने लिख लिया 3a, c की वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि -6 थी जो फाइंड की थी, वो वैल्यू पुट की तो आपके पास a आ जाएगा 2, यहां सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिएगा, a की वैल्यू आ गई 2। अब ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की है a, b और c, ये हम वापस जो इक्वेशन है आपके पास वहां पुट कर देते हैं, ये जो वापस आपके पास ये वाली इक्वेशन थी जिसमें हमने लिखा हुआ था a, b और c, इसमें हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये किसकी इक्वल है, 4 + 7x / 1 + x² 2 + 3x, ये इंटीग्रेशन इसकी फाइंड करनी है, तो मैंने यहां पर डायरेक्ट आपके पास इसको इंटीग्रेशन में लगा दिया, वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है, 2 / 1 + x, 3 / 1 + x² c की वैल्यू -6 थी तो 2 + 3x आ गया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तीनों के ऊपर, क्योंकि प्लस हो रहे थे तो हर एक के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, 2 × 1/1 + x dx आ जाएगा, 3 × 1 + x² बन जाएगा dx, और -6 था यहाँ पर, -6 की जगह मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया इसको, 3 2 में ब्रेक कर दिया, 3 2 = 6 ही होता है, ब्रेक इस वजह से किया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x आ रहा है, 2 + 3x, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 + 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, 2 का 0 हो जाएगा और 3x का 3 आ जाएगा, डेरिवेटिव लेके चेक कर लीजिएगा, 2 + 3x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 3, और ऊपर मौजूद होना चाहिए, नेचुरल लॉग के लिए ये जरूरी होता है लगाने के लिए हमें फार्मूला, तो आपने फिर 2 बाहर लिख लेना है और 3 को अंदर लिख लेना है, बन वही रहा है 2 3 = 6। अब तीनों को लिख लें, ये x की पावर 2 आ रही थी, अच्छा नेक्स्ट में आ जाए 1/1 + x आ रहा है, x 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1 ऊपर मौजूद, नेचुरल लॉग लगा दें, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x, इसी तरह 3 यहां पर नीचे पावर 2 आ रही है, तो ये पावर ऊपर ले जाए
वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन होता है जो कि मल्टीप्लाई में मौजूद है, तो पावर रूल जस्ट लगाना है आपने। माइनस टू के ऊपर अगर हम पावर रूल लगाएं तो क्या बनेगा, माइनस टू प्लस वन, नीचे भी आपके पास आ जाएगा माइनस टू प्लस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन, नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन, वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ रहा है माइनस टू, और ये नेचुरल लॉग ऑफ टू प्लस थ्री एक्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसको लिख ले टू नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गए, थ्री इंटू माइनस वन दी पावर नीचे आगे प्लस हो जाएगी, इस वजह से डायरेक्ट लिख दिया, और माइनस टू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ टू प्लस थ्री एक्स, और साथ आपने यहां पर जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए तो कॉन्स्टेंट लगा देना, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें आ रहा है आपके पास x प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो सबसे पहले इसको भी चेक कर लें कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, तो नीचे x की पावर आई एस थ्री है, ऊपर x की पावर वन है, तो ये कि आपके पास आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से फाइंड करते हैं, लेकिन नीचे आपके पास आ रहा है इस दफा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो ये आपके पास फैक्टराइज होगा। इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। अच्छा, ये एक तो हमने ये मैथड है सिंथेटिक डिविजन से फैक्टराइज करते हैं, दूसरा आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर में एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ एक्स नहीं है तो उसके साथ जीरो एक्स और प्लस फोर, ये ए बी सी और डी चार वैल्यूज हैं, ये आपके पास कैलकुलेटर में मॉड में जाके आप लोग इक्वेशन में जाके तो ये वहां पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास रूट्स इसके डायरेक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं इसको, सिंथेटिक डिवीजन से वन से चेक करेंगे तो नहीं होगा, माइनस वन से चेक करते हैं। आपको पता है सिंथेटिक डिवीजन में किस तरह करते हैं, एक्स क्यूब के साथ क्या आ रहा है वन, वो लिख लिया, एक्स के साथ क्या आ रहा है माइनस थ्री, अब एक्स के सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है माइनस थ्री था, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ डायरेक्ट फोर लिखा हुआ है, तो बीच में एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है, तो एक्स क्योंकि नहीं है तो उसकी जगह जीरो लिख लेंगे और कॉन्स्टेंट नंबर आ जाएगा फोर। तो यहाँ वन एज इट इज नीचे आ जाएगा, वन वन जर वन, माइनस वन आ जाएगा, माइनस थ्री, माइनस वन कितने होते हैं माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस, प्लस फोर आ जाएगा, जीरो प्लस फोर फोर आ गया, फोर वन जर फोर तो माइनस फोर, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो पीछे रह गया जीरो। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो ये माइनस वन इसका फैक्टर है, रूट है, तो उसको लिख लिया एक्स प्लस वन, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन इधर आएगा, क्या बन जाएगा एक्स प्लस वन, एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया। दूसरा यहाँ से तो 4 पहले आएगा, फिर माइनस फोर एक्स आएगा, और फिर एक्स स्क्वायर, हम कांस्टेंट से शुरू करते हैं और जहां तक जाए, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास स्क्वायर होता है, a माइनस बी को स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस टू ए बी, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बन जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी आपके पास जो इक्वेशन थी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये इक्वल आ जाएगी, एक फैक्टर इसका एक्स प्लस वन है, दूसरा एक्स माइनस टू आ गया, इसके फैक्टराइज कर लिया हमने, इसके रूट्स निकल आए, इनको यूज करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन दिखाएंगे, x प्लस फोर डिवाइड बाई एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स के प्लस फोर, इसकी जगह आ जाएगा x प्लस वन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे, a डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस टू और c डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। तो इसको आपने आगे खुद सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन। अभी हमने इसी तरह का क्वेश्चन किया है, वो जो क्वेश्चन हमारे पास 12 था सेम एज इट इज उसी तरह होगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, तो ये आपने खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 19 है हमारे पास, उसमें देखें x डिवाइडेड बाय x माइनस वन डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वन आ रहा है। पहले जितनी इक्वेशन आ रही थी ना वो इस तरह की आ रही थी, x स्क्वायर माइनस वन ये सॉल्व हो जाती है, या इसमें हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो अंडर रूट के अंदर माइनस वन नहीं आता। अब जो आ रही इक्वेशन ये थर्ड टाइप होती है पार्शियल फ्रैक्शन में, आपने यह देखना है कि यहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये जो चीज है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर हम इसको दूसरी साइड लेके जाएं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन करें, अंडर रूट दोनों तरफ लें तो एक्स इज इक्वल टू आयोटा बन जाएगा, प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा में तो हमने जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखें, अच्छा कोई भी इक्वेशन आ जाए यहां तक स्क्वायर प्लस वन सिंपल है, और भी कोई क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन आ जाए जिसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो आंसर में आयोटा आ जाए, यानी अंडर रूट के अंदर माइनस वन आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ जाए, तो आपने कभी भी उसको सिंपल जो हम लोग लगाते हैं उससे नहीं सॉल्व करना। इसकी एक बाकायदा आपने पढ़ी हुई थर्ड टाइप, इसको किस तरह सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। a के नीचे आ गया x माइनस वन, जो लिखते हैं x डिवाइड बाई x माइनस वन इंटू एक्स के प्लस फोर, a के नीचे आ गया x माइनस वन। अब बात आ गई x के प्लस वन की, इसको एज इज लिखना है, लेकिन इसके ऊपर फिर आपने एक लीनियर टाइप की इक्वेशन लेनी है bx प्लस c।
नीचे क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके ऊपर आपने बी एक्स प्लस फिर सी लेना है। किस में लेना है, जब यहाँ पर सॉल्व करने से आयोटा आ रहा हो, ये चीज याद रखनी है। तो जब भी नीचे सॉल्व करने से आयोटा आ रहा होगा तो ऊपर आपने क्वाड्रेटिक टाइप की जो इक्वेशन होगी उसमें आपने क्या लेना है, फिर ऊपर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब यहाँ नीचे x के नीचे आ रहा है x माइनस वन इंटू एक्स के प्लस वन, ये नीचे डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई, तो x माइनस वन से कैंसिल, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, a के साथ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन और b x प्लस सी के साथ आ गया एक्स माइनस वन। अब इसी तरह इसमें भी आपके पास a के नीचे एक्स माइनस वन आ रहा था, उसको इक्वल टू जीरो लेट कर लेना है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास वन, ये वाली वैल्यू आपने इक्वेशन वन में पुट कर देनी है x की, तो x की जगह वन, यहाँ जहाँ x आ रहा है वहां वहां हम वन पुट कर देंगे, वन यहां पर कैंसिल होगा, जीरो हो जाएगा b, तो a की वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू, वन प्लस वन टू होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाय टू। उसके बाद बी एक्स प्लस सी के नीचे एक्स के प्लस वन आ रहा है, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि ये इक्वल टू जीरो लेट करेंगे आयोटा आ जाएगा, इस वजह से इसकी वैल्यू भी हम बाय कंपेयरिंग से निकालेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे, इक्वेशन वन जो है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए आ गया, बी एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बी एक्स वन से होगा तो बी एक्स आ जाएगा, सी एक्स से होगा तो सी एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस सी वन से होगा तो ये सी आ जाएगा। ये हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि हाईएस्ट पावर को करें, तो हाईएस्ट पावर आपके पास एक्स स्क्वायर आ रही है, इस दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, जीरो था, इस वजह से हमने जीरो लिख, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही नहीं था दूसरे साइड पे, तो जीरो लिख लिया, और दूसरी साइड पे आ रहा था ए प्लस बी, जहां जहां एक्स स्क्वायर था उसके साथ जो भी कॉन्स्टेंट नंबर आ रहा हो, कोफिशिएंट आ रहा उसका, उसको लिख लें, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। अभी हमने a की वैल्यू निकाली है, वो आई है 1 by 2, वो यहां पुट कर दी, 1 by 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो कि माइनस 1 by 2 है। अब इससे तो हमारा आ गया b की वैल्यू, अब हमने क्योंकि c भी फाइंड करना था तो वापस आ जाए उसी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में देखें x square के बाद कौन सा आ रहा है, x आ रहा है, तो x के साथ इस साइड पे 1, ये x आ रहा है तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, और इस साइड पे जो x के साथ कोफिशिएंट है वो माइनस b है और यहां प्लस c है, तो इसको लिख लें x के साथ माइनस बी प्लस सी, तो b आपने अभी फाइंड किया माइनस वन बाई टू है, यहां पुट कर दें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन बाई टू, तो ये जो प्लस वन बाई टू है दूसरी साइड पे जाएगा, यानी वन इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस सी बन जाएगा, तो ये वन बाई टू प्लस हो रहा था दूसरी साइड पे जाएगा माइनस वन बाई टू हो जाएगा, तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वन बाई टू, x divided by x minus 1 into x square plus 1 आ गया। इसको हमने जब पार्शियल में ड्राइव किया तो a आ रहा था, a के नीचे a की वैल्यू 1 by 2 फाइंड किया, नीचे x minus 1 आ गया, bx plus c था तो bx plus c, b की वैल्यू minus 1 by 2 है और c की वैल्यू 1 by 2 है, वो यहाँ पर हमने पुट कर दी है और इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दी, 1 by 2, 2 नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x minus 1। इसी तरह यहाँ आपने एलसीएम ले लेना, ये आपके पास माइनस एक्स बाई टू था प्लस वन बाई टू, इसका एलसीएम लेंगे तो टू आएगा तो ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस एक्स प्लस वन और ये नीचे टू मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, दोनों के साथ जो टू मल्टीप्लाई हो रहा था कॉन्स्टेंट वो हमने बाहर लिख दिया है वन बाई टू। अच्छा यहाँ आप देखें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, एक्स का वन होता है और माइनस वन का जीरो, तो वन बाई टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बन जाएगा। अच्छा यहाँ 1 बाई फोर कैसे आई है देख लें, नीचे आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास 2x, तो यहाँ पर 2x नहीं है बल्कि माइनस एक्स लिखा हुआ था, तो वो हमने माइनस के साइन को भी बाहर निकाल दिया, जब माइनस के साइन को बाहर निकाला तो यहाँ प्लस था तो ये भी माइनस हो गया। दूसरा हमने 2 को मल्टीप्लाई कराया अंदर, जब हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो बाहर 1 बाय 2 था आपके पास, तो नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा जो कि 2 2 4 बन जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग लिख लें, 2x को अलग लिख लिया, माइनस 2 को अलग लिख लिया, ये जो माइनस रू था माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 बाय 4 बन जाएगा, बाकी हमने अंदर 1 बाय एक्स के प्लस 1 दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करवा दिया, ये तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 आया होता। यहां पर क्या आ रहा है माइनस 1 बाय 4, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो यहाँ पर भी नेचुरल लॉग की लग जाएगा फार्मूला एक्स के प्लस वन, और ये आपके पास पता होना चाहिए, ये आपके पास टेन इनवर्स का फार्मूला होता है, डेरिवेटिव होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर,
तो यहाँ इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो प्लस सी आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। ये आप डिफरेंट टाइप्स के दो दो तीन तीन टाइप्स के क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, तो ये आपने खुद ट्राई करना है घर में इस तरह के क्वेश्चंस को, ताकि ये ज्यादा प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आपने पार्शियल फ्रैक्शन पहले भी की हुई है, इसमें मुश्किल पार्शियल फ्रैक्शन ही है, अगर वो आपने कर लिया इजीली तो आगे इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि ये 3.3 3.2 से भी आसान है, सिंपल इंटीग्रेशन है आगे जाके, तो इसमें ज्यादा सिंपल आपने पार्शियल फ्रैक्शन जो है उस पर ध्यान दें कि वो इजीली आप लोग उसको प्रैक्टिस करें, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है तो वो आ जाएगी आपको